दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए न्यू नोटिफिकेशन की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकली है स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत नई भर्ती निकली है। टोटल 1497 खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। सैलरी 42,000 तक पर माह के लिए है। आयु सीमा मैक्सिमम 32 वर्ष है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट यानी के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानी के GDMO और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ यानी के BMOH। जी हाँ दोस्तों, टोटल 1497 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो आप सिंपली चेक कर सकते हो, जैसे कि GDMO पोस्ट के लिए 355 यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, SC के लिए 236 है, ST के लिए 237 है, BC कैटेगरी A के लिए 186 खाली पद है, BC कैटेगरी B के लिए 207 खाली पद है, PWD के लिए 108 खाली पद है। तो टोटल जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानी कि GDMO पोस्ट के लिए 1329 खाली पद है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ यानी कि बेसिक पब्लिक हेल्थ कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पर 90 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, SC के लिए 30 है, ST के लिए 13 है, BC कैटेगरी फर्स्ट के लिए यहाँ पर 17 है, BC कैटेगरी B के लिए 14 है, PWD के लिए 4 है। तो टोटल 168 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर सैलरी की जाए तो 15,600 से 42,000 है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हो, इसमें यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ग्रेड पे PB4A ग्रेड पे यहाँ पर 5,400 रुपये रहेगा। तो टोटल की बात की जाए तो टोटल मिनिमम यहाँ पर सैलरी 52,800 पर मंथ के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात अगर योग्यता की जाए तो मेडिकल क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 36 ईयर्स आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो जनरल या OBC के लिए 210 रुपये है, SC ST जो वेस्ट बंगाल के और PH के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। शुल्क आप GRI PS से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंडिया में आप किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, WBHRB.in पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। डेट की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 नवंबर 2019 है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑफिशियल पोर्टल पर 15 तारीख को ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 22 नवंबर 2019 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जिसको आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है, क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो और साथ साथ जो यहाँ पर बाकी की जानकारी रहने वाली है सब आपको इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत दी गई है। अप्लाइंग प्रोसीजर भी आप सिंपली चेक कर सकते हो। दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहीं से फिलअप कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 15 नवंबर 2019 से। 15 तारीख को ही आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऐसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।